मैं आप सभी को बता दूं कि छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए आज शहीद स्मारक पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि विधानसभा के घेराव की भी बात चल रही है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छात्रों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आज शहीद स्मारक पर विद्यार्थियों छात्र ने विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालयों कॉलेजों में कोरोना वायरस के कारण ज्यादातर विद्यार्थियों को अगले सत्र के लिए प्रमोट किया गया। इसके बावजूद भी परीक्षा शुल्क सभी विद्यार्थियों से लिया गया। जिन छात्रों की परीक्षा हुई नहीं उनसे देवजी परीक्षा शुल्क लिया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसलिए इन लोगों की मांग है कि छात्रों को परीक्षा शुल्क अतिशीघ्र वापस किया जाए या इस सत्र में समायोजित किया जाए। बेरोजगारी प्रमुख भी समस्या है, तो वहीं सरकार ने प्रदेश के सभी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, मगर अब सरकार के द्वारा बेवजह ही शर्तों को ठोकर के लाभार्थियों की संख्या को कम किया जा रहा है। और यह बड़े ही दुख का विषय है कि जनता जिनका नाम सूची में है उनको भी काफ़ी समय से बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा। साथ ही उनकी मांग थी कि प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता मिलने वाली लाभार्थियों की सूची में शामिल करे और उसको समय से सभी को प्रदान किया जाए। साथ ही बेरोजगार भत्ता बढ़ा करके 10,000 तक किया जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।